आई होप अच्छे होंगे। मैं हरदीप सिंह मिस्टर खोजी अपने चैनल एक नया खोजी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं बीडीपी के अंदर, भारत दर्शन पार्क के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर है। कुछ टाइम पहले मैंने यहां पे एक वीडियो बनाई थी जो कि डे व्यू था इसका, उस टाइम वीडियो बनाई थी मैंने, डे ब्लॉग था इसका। आज हम आए हैं इसकी नाइट ब्लॉग बनाने के लिए, आपको दिखाएंगे। देखिए मेरे बैक साइड पे ये भारत दर्शन पार्क जिसके अंदर हम एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, पूरे इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स 21 मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, दिखाएंगे और आपको नॉलेज के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ मिलेगा। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं भारत दर्शन पार्क को। चलिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये जो गेट है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं भारत दर्शन पार्क के मेन गेट से, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये गेट दिखाई देगा। इस गेट का नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे तो ये मुंबई के अंदर है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए, यहाँ पर भी इसको ये गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया गया है भारत दर्शन पार्क के अंदर एंट्री करने के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया। ये हम नाइट ब्लॉग बना रहे हैं आपके लिए। देखिए इतना ब्यूटीफुल लगता है, इसके कलर चेंज होते हैं नाइट टू नाइट पे। ये देखिए इसकी लाइट्स के हिसाब से इसके कलर चेंज होते हैं। चलिए फिर चलते हैं इसके अंदर। चलिए दोस्तों देखिए, ये है गोल गुंबद, देश का सबसे बड़ा गुंबद जो है। दोस्तों यहाँ पर अब हम आए हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स है जो बनाया गया है, ये मॉन्यूमेंट्स बनाया है गोल गुंबद का, जो कि देश का सबसे बड़ा गुंबद में से एक है। ये इस्लामी वास्तुकला का जो है एक अलग ही नमूना है गोल गुंबद। इसकी खासियत बात यह है कि जो इसका जो ऊपर का सबसे बड़ा जो गुंबद है वो बिना किसी के सहारे खड़ा हुआ है। 17वीं शताब्दी के अंदर ये बनाया गया था। ये सुंदर मकबरा जो बनाया था राजा आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी के अंदर बनाया था इसको, और इसको बनाने के लिए जो स्क्रैप यूज करा गया था वो यूज कर गए, एंगल्स यूज करे गए, साइकिल के जो पार्ट्स है, साइकिल के पोल, इंजन, पिस्टल, ट्रक कमानी, तराजू, साइकिल स्टैंड, इसका यूज करा गया इसको बनाने के लिए। इसकी जो ऊंचाई है वो 30 फुट के आसपास ऊंचाई है इसको बनाने के लिए, और लंबाई इसकी 26 है, जो चौड़ाई इसकी वो भी 26 है। इसका जो वजन है वो 16 टन के आसपास इसके अंदर लोहा यूज करा गया है, और जो इसको बनाने के दिन यूज करे गए थे वो 180 दिन, कम से कम 180 दिन लगे थे, मतलब लगभग 6 महीने इसको बनाने में लगे थे। ये जो जगह है, इसका जो मॉन्यूमेंट्स है, इस मॉन्यूमेंट्स का नाम है गोल गुंबद। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये कलर के अंदर। इसके रात का ये नाइट व्यू है, नाइट ब्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, अलग अलग कलर्स में चेंज होता है। चलिए फिर दोस्तों, अब जगह जो हम आए हैं, इस जगह का नाम है विक्टोरिया पैलेस, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। इसको बनाया था लॉर्ड कर्जन ने, जो रानी है विक्टोरिया उसकी याद के अंदर बनाया था इस जगह का मॉन्यूमेंट्स जो है। इसके अंदर जो यूज करे गए स्क्रैप, इस मॉन्यूमेंट्स में जो यूज करे गए स्क्रैप, उस स्क्रैप के अंदर अगर हम देखें तो एंगल्स आते हैं, और जो साइकिल बाइक के जो चेजेस है वो यूज करे गए हैं। कई जगह पे आप देखेंगे शीट्स यूज करी गए लोहे की, और यहाँ पर इसको देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बहुत यूज करे गए हैं, जो रेल के इंजन है उसके पार्ट्स भी बहुत यूज करे गए हैं। ये 45 फुट के आसपास जो है लंबा है, 15 फुट के आसपास ये चौड़ा है, और 20 फुट के आसपास ये ऊंचा है। इसको बनाने के लिए 15 टन जो लोहा यूज करा गया था और 120 दिन लगे थे इसको बनाने के लिए। ये है विक्टोरिया पैलेस जो कि कलकत्ता के अंदर है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये है प्रेम का प्रतीक ताजमहल, जो कि आगरा के अंदर बना हुआ है। ये इसका मॉन्यूमेंट तैयार करा गया है, स्क्रैप से तैयार कराया है इसको। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये सब जानते हैं। ये जो है 7 वंडर के अंदर भी इसका नाम है, इंडिया की तरफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 7 वंडर के अंदर। ये जो है 23 फुट के आसपास ऊंचा है, 21 फुट चौड़ा है बना हुआ जो इसका मॉन्यूमेंट्स है, जो और ये 21 फुट लंबा है। इसको बनाने के लिए जो स्क्रैप यूज करा गया है, जो पार्क में यूज होते हैं झूले वो यूज करे गए हैं इसके अंदर, टूटे फूटे और जो बर्तन होते हैं जो टूट जाते हैं उसको यूज करा गया है। कहीं कहीं पर बिजली के जो लोहे के जो खंभे आते हैं, उसके जो तारे होती हैं वो पाइप यूज करे गए हैं इसके अंदर, और यहाँ पर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे कि स्प्रिंग्स यूज करा गया है। इसके जो चारों तरफ से आप देखेंगे इसके जो दरवाजे बनाए गए, दरवाजे के चारों तरफ बनाने के लिए आपको देखेंगे कि जो लोहे की तारे यूज करी गई है जो कि स्क्रैप में आती है। ये है ताजमहल, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कलर्स के अंदर। ये इसका नाइट व्यू है, जो आज हम ब्लॉग बना रहे हैं वो नाइट व्यू का ब्लॉग बना रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट जगह पे आपको दिखाते हैं। चलिए आगे दोस्तों, इस जगह का नाम है द्वारकाधीश मंदिर, जो कि गुजरात के अंदर है। ये जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर है। ये मॉन्यूमेंट्स उसका तैयार करा गया है।
ये भी स्क्रैप से बनाया गया। आप देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है ये, इसमें रात के नाइट के अंदर कितना व्यू इतना अच्छा लगता है। और देखिए रात के अंदर इसकी लाइटें कितनी जबरदस्त देखने को मिलती है। इस जगह का नाम बताया था जैसे मैंने आपको द्वारकाधीश मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान को समर्पित है। इस मंदिर को बनाने के लिए आप देखिए ऑटो पार्ट्स के लिए ऑटोमोबाइल्स जो पार्ट्स है उसको यूज करा गया, क्लच प्लेट यूज करा गया है, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे लोहे के सरिये यूज करे गए हैं, लोहे के पाइप यूज करे गए हैं इसको बनाने के लिए। और इसके अंदर कई सारे गियर्स यूज करे गए, अलग अलग साइज के इसके अंदर यूज करे गए, एंगल्स यूज करे गए, पाइप यूज करे गए, रोड्स यूज करे गए, साइकिल के पार्ट्स यूज करे गए इसको बनाने के लिए। देखिए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके अंदर कलर बहुत चेंज हो रहे हैं रात के नाइट के अंदर। अगर हम इसकी बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये 15 मीटर तक ऊंचा है। लंबाई चौड़ाई इसकी 22.5 मीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई है 2 फुट की है। वजन 15 टन का है। 70 दिन लगे थे इसको बनाने के लिए। इस जगह का नाम है द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। दोस्तों इस जगह के अंदर जहां पर हम आए हैं, ये मोनूमेंट तैयार करा गया है रामेश्वर मंदिर का, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ये भी हिस्सा है हमारे जो तीर्थ स्थल है चार धाम, उसका हिस्सा है ये। ये 15 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। इसको बनाने की जो स्क्रैप यूज करा गया है आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पर जो है कमानी यूज करी गई है, कहीं कहीं पर स्क्रैप के तौर पर नट बोल्ट का यूज करा गया है, और यहाँ पर सरिये का भी यूज हो रहा है, और पतली चादर के रूप में लोहे का यूज करा गया जो स्क्रैप के रूप में था। ट्रक के इंजन का भी यूज करा गया है, और कहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर आप लोहे की चैन का भी यूज करा गया जो कि जानवरों को बांधने के काम आती है। ये जो है आपका 20 फुट के आसपास इसकी ऊंचाई है, और 2 फुट की इसकी चौड़ाई है। लंबाई जो इसकी है 16 मीटर की है, और जो इसकी वजन है 15 टन का लोहा इसके अंदर यूज हुआ है। इसको बनाने के लिए कम से कम 80 दिन का यूज करा गया था, 80 दिन लगे थे इसको बनाने के लिए। ये रामेश्वरम मंदिर है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। चलिए आगे चलते। तो ये है जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि उड़ीसा के अंदर है। ये हमारे चार तीर्थ जो धाम है उसमें से एक है। इस जगह का नाम है जगन्नाथपुरी, जो मोनूमेंट्स तैयार करा गया है जगन्नाथपुरी का तैयार करा गया है। इसको जो बनाया गया है स्क्रैप के तौर पे जो यूज करा गया है इस मंदिर को बनाने के लिए, जो है बिजली के बोर्ड्स। दोस्तों इसको बनाने के लिए, इस मोनूमेंट्स को तैयार करने के लिए जो स्क्रैप यूज करा गया है वो यूज करा गया है बिजली के बोर्ड्स, नट्स, और इसके अंदर कार के गियर यूज करे गए हैं, फेसिंग स्लाइड्स यूज करे, क्लच यूज करे गए, डिस्क और जाली का इस्तेमाल करा गया है इसको बनाने के लिए। कुछ कुछ जगह पे लोहे के जो चक्र होते हैं जिसे कहते हैं हम बाइक और कार के अंदर जो व्हील्स होते हैं उसको यूज करा गया है लोहे के लिए। इसकी जो ऊंचाई है 15 फीट के आसपास ऊंची है, और जो इसकी चौड़ाई है 2 फीट की है। लंबाई इसकी 25 फुट के आसपास है। इसको बनाने के लिए 15 टन का यूज करा गया था लोहा जो कि स्क्रैप के अंदर था, उसको बनाया गया है 60 दिन के अंदर। ये है जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा के अंदर है, बड़ा फेमस मंदिर है। चलिए फिर आगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जो मैंने आपको दिखाया था मार्गदर्शन पार्क के अंदर, जो हमारे इंडिया के हमारे भारत के मशहूर मोनूमेंट्स जिसको इन्होंने स्क्रैप के थ्रू चेंज करके यहाँ पर आपको डमी के रूप में दिखाया था, स्टैचू दिखाए थे आपको। ये थे हमारे इंडिया के फेमस मोनूमेंट्स जो कि जिसका नाइट व्यू हमने आज आपको ब्लॉग के रूप में बनाया था, दिखाया था। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जल्द से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर, और हो सके तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जितनी वीडियो मेरी नेक्स्ट टाइम आपके पास आए तो नोटिफिकेशन पहले ही आपके पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और जगह किसी और चीज को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।